Hey everyone, please subscribe to the channel and press the bell icon to stay connected with Mom's Healthy Kitchen. Hey everyone, welcome back to my channel. आज मैं आपके लिए एक हेल्दी बर्गर की रेसिपी लाई हूँ. ये है कीटो बर्गर. तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं. कुछ आलू को मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया. देखिए एकदम नूडल्स की तरह दिख रही है. वन मैंने चॉप्ड अनियन डाला, चॉप्ड मैंने टमाटो डाला एक, और एक मैंने ग्रीन चिली डाली चॉप्ड करके. हाफ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और वन पिंच के अराउंड रेड चिली पाउडर डालेंगे. इससे टेस्ट अच्छा आता है. बाइंडिंग के लिए वन टेबल स्पून के अराउंड कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे. इससे क्रिस्पी भी बनेगी हमारी पैटी या फिर टिक्की. तो एक एक करके हम टिकिया का शेप दे देंगे. पैन को गरम करके टू टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और एक एक करके हमारा टिकिया हम डाल देंगे. टिकिया को हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे. हमें ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट्स टाइम लगेंगे. तब तक ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे. एक कैबेज ले लिया है. ओल्ड वाले पत्ते हमें नहीं चाहिए, हम लाइट ग्रीन वाले पत्ते यूज़ करेंगे. इसका जो हार्ड वाला पार्ट है वो हम काट के निकाल देंगे. कैबेज के पत्तों को हमने अच्छे से धो लिया है. एक कैबेज का पत्ता लेंगे, ऊपर से तंदूरी मेयो डालेंगे. आप नॉर्मल मेयोनीज भी यूज़ कर सकती हो. ऊपर से एक पैटी डालेंगे, केचप डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे और थोड़ा सा और हम मेयो डालेंगे और इसे फैला लेंगे. स्लाइस्ड क्यूकम्बर डालेंगे, टमाटो डालेंगे और अनियन डालेंगे. हमने सारे बर्गर रेडी कर लिए हैं. ऊपर से थोड़ा सा पिंक सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर छिड़क देंगे. सेम पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे और एक एक करके हमारा बर्गर डाल देंगे. और इनको ना ज़बरदस्ती हम ढक देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड रहता है पहले, बाद में ये सॉफ्ट हो जाता है. देखिए ये रेडी है. इनको बनने में 5 मिनट टाइम लगी है. आप इस कीटो बर्गर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.